नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL-204 के टॉपिक क्लिपिंग सर्किट्स में किस प्रकार के क्वेश्चन क्लिपर के ऊपर पूछे जाते हैं, मुख्यतः जो मेन मेन क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है वो कैसी होती है हमारे डिप्लोमा के लिए, वो पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन का, वो यदि बात करें हम टाइप फर्स्ट, तो वो रहता है कि एक्सप्लेन, यहाँ जैसे नेम ऑफ क्लिपर आ जाएगा, एक्सप्लेन नेम ऑफ क्लिपर, कोई भी एक क्लिपर का नाम विद ट्रांसफर एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, पहली ये रहती है कि यहाँ नेम ऑफ क्लिपर में क्या हो सकता है। जैसे पहला ही हम बात करें तो जैसे संट पॉजिटिव क्लिपर, कि संट पॉजिटिव क्लिपर को उसके ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के साथ समझाइए। संट पॉजिटिव क्लिपर कौन सा रहेगा, जिसमें डायोड संट पोजीशन में रहेगा, डायोड संट पोजीशन में, और किसको रिमूव करेगा, ये वेवफॉर्म के पॉजिटिव हाफ को, पॉजिटिव हाफ विल बी रिमूव्ड, कि ये इनपुट वेवफॉर्म के पॉजिटिव हाफ को रिमूव करेगा। तो वो क्लिपर हमें एक्सप्लेन करना है जो, यानी संट है जिसमें डायोड संट पोजीशन में रहे और जो इनपुट वेवफॉर्म के पॉजिटिव हाफ को रिमूव करे। तो इसी पॉजिटिव क्लिपर में, संट पॉजिटिव में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, संट पॉजिटिव क्लिपर विद बायस, यानी जिसके साथ में एक बैटरी लगी हो। ये तो मैं सर्किट बना के बताऊं तो जैसे ये यहाँ रेजिस्टेंस रहेगी, ये डायोड है ये, और यहाँ बायस में जैसे ये पॉजिटिव वीआर लगा दिए हमने, तो ये हो जाएगा हमारा संट पॉजिटिव क्लिपर विद बायस। तो इसी के बायस भी अब दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव बायस और नेगेटिव बायस, यानी या तो ये बैटरी पॉजिटिव वी आर हो या फिर ये इस डायरेक्शन में लगी हो नेगेटिव वी आर। तो ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन। तीसरा यदि इसी प्रकार से ये नेगेटिव के लिए भी बन जाएंगे, संट नेगेटिव क्लिपर, यानी संट पोजीशन में रहे और नेगेटिव हाफ को रिमूव करे। इसी प्रकार से संट नेगेटिव क्लिपर विद बायस, जैसा हमने उसके साथ देखा कि पॉजिटिव बायस भी हो सकता है और नेगेटिव बायस, इसमें डायोड की पोजीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाले के। यदि ये डायग्राम की यदि बात करें तो ये इस प्रकार से ये पॉजिटिव वी आर के साथ बना है, ये इनपुट ये आर, ये डायोड और ये वी आर। तो ये बायस दो प्रकार का हो सकता है, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये पॉजिटिव है तो ये वी आर है, और नेगेटिव में आएगा तो ये जस्ट उल्टे हो जाएगी ऐसे। और इसी प्रकार से सीरीज क्लिपर के बन सकते हैं, सेम सारी फॉर्मेटिंग, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, तो इसमें क्या रहेगा, डायोड हमारा सीरीज में लगाना है हमें और पॉजिटिव हाफ को क्या करना है, रिमूव करना है, हाफ विल बी रिमूव। सेम सिक्स क्वेश्चन जैसे सीरीज
positive clipper with bias. तो यदि डायग्राम यदि देखें तो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करें वो हमें बनाना है, तो ये सीरीज में रहेगा, ये विद बायस में यहाँ बैटरी लगेगी वी आर की, ये आर और ये, तो बायस वही क्या पॉजिटिव बायस भी हो सकता है और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बायस है, नेगेटिव यदि लगाएंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस पोजीशन में रहेगा, है ना। सेवन्थ, ये सारे क्वेश्चन किसके लिए बन सकते हैं, सीरीज नेगेटिव क्लिपर के लिए भी डिजाइन हो सकते हैं, और आठवां टाइप क्या आ सकता है कि सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस, बायस में पॉजिटिव बायस भी आ सकता है और नेगेटिव बायस भी पूछा जा सकता है, और एक इसमें और बचता है कि कंबाइंड बायसिंग वाला, कि जो पॉजिटिव हाफ को भी रिमूव करे और नेगेटिव हाफ को भी, नेगेटिव हाफ के कुछ पोर्शन को भी, कंबाइंड बायस वाला, तो ये बाय नेम आएंगे, ये जो टाइप है इसमें बाय नेम पूछा जाएगा, यानी हमें सर्किट डायग्राम नहीं दिया होगा, सिर्फ क्लिपर का नाम दिया होगा कि एक्सप्लेन सो एंड सो क्लिपर विद ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, या एक्सप्लेन सो एंड सो क्लिपर इन डिटेल, ऐसा क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग रहेगी। टाइप टू है वो किस प्रकार रहेगी, टाइप टू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप टू में हमें क्लिप पर सर्किट डायग्राम दिया होगा, सर्किट डायग्राम दिया होगा, यहाँ इनपुट वेवफॉर्म दी होगी और आउटपुट वेवफॉर्म हमसे पूछी जाएगी कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी वो आप बताइए, ये टाइप टू रहेगी। एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें कि ये हमें दिया है कि ये क्लिपर है और ये इसकी इनपुट वेवफॉर्म है, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी वो हमें बतानी है, इसको एक्सप्लेन करके, जैसे एग्जांपल में हमने पढ़े थे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो रहेगा इसमें, कि फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे जीरो के साथ क्योंकि इसमें कोई भी नहीं बैटरी कनेक्टेड है, तो ये डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वेवफॉर्म बनानी है, फिर लास्ट में इसके ट्रांसफर और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड जो टाइप है यदि डिटेल में पूछना हो यानी डीप में जाना हो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग की, तो थर्ड टाइप रहेगी, इसमें क्या रहेगा, हमें इनपुट वेवफॉर्म दी होगी और आउटपुट वेवफॉर्म दी होगी, और पूछा क्या जाएगा कि क्लिपर को डिजाइन कीजिए, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो डिजाइन ए क्लिपर, तो हमें इनपुट वेवफॉर्म दी होगी और आउटपुट वेवफॉर्म दी होगी, और पूछा क्या गया है कि क्लिपर को डिजाइन करना है, अब वो चॉइस हमारी है कि हम यूजिंग संट क्लिपर डिजाइन करते हैं या यूजिंग सीरीज क्लिपर डिजाइन करते हैं, वो चॉइस छोड़ी जाती है कि आपको संट क्लिपर से डिजाइन करना है या सीरीज क्लिपर से डिजाइन करता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन लास्ट के एक दो ईयर पहले शायद 2016 या 17 में पूछा गया है कि डिजाइन ए क्लिपर फॉर गिविंग वेवफॉर्म, एक वेवफॉर्म दी गई थी और उसकी आउटपुट वेवफॉर्म दी गई थी, तो उसके लिए क्लिपर को डिजाइन कीजिए, तो जैसे कि ये हमारी
यदि सिंपल ही हम बात करते हैं तो, कि ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है और ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, जिसमें क्या कर दिया, इसके पॉजिटिव हाफ को रिमूव कर दिया। तो एक ऐसा क्लिपर डिजाइन करिए जो कि ये इनपुट वेवफॉर्म के लिए ये आउटपुट वेवफॉर्म हमें प्रदान करे। तो हम ये अब जैसे ये दोनों से डिजाइन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव क्लिपर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ को रिमूव कर रहा है, तो इसे हम शंट पॉजिटिव क्लिपर से भी बना सकते हैं और सीरीज पॉजिटिव क्लिपर से भी हम बना सकते हैं। इसी प्रकार का यदि एक और एग्जांपल की बात करें तो ये थोड़ा सा यानी कंबाइंड फ्लूइड बायसिंग वाला यदि ये लें, तो जैसे ये इनपुट वेवफॉर्म हमें दी गई और आउटपुट वेवफॉर्म में क्या बनाया कि आउटपुट वेवफॉर्म में कंबाइंड बनाया कि ये फिर ये इतने पोर्शन को रिमूव कर दिया, ये फिर ये आके इतने पोर्शन को इसने रिमूव कर दिया। तो ये जैसे ये एक VA वोल्टेज यहाँ लेवल बताया गया और ये एक VB वोल्टेज का लेवल बताया गया, तो हमें क्लिपर डिज़ाइन कर रहा है जो इस प्रकार की आउटपुट वेवफॉर्म हमें प्रदान करे। ये इसने इतने पार्ट पॉजिटिव इतने पार्ट को क्लिप कर दिया और नेगेटिव इतने पार्ट को क्लिप कर दिया। तो ये बेसिक तीन प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होती है हमारे क्लिपर के लिए, कि पहला बाय नेम पूछा जाता है क्लिपर की, एक्सप्लेन सो एंड सो क्लिपर इन डिटेल। दूसरा एक क्लिपर का सर्किट डायग्राम हमें दिया जा सकता है, उसमें नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं कि ये फॉर ए गिविंग क्लिपर एंड ए गिवन इनपुट फाइंड आउट द शेप ऑफ आउटपुट। तो इसमें यानी आउटपुट की हमें शेप कैसे रहेगी वो बतानी है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। और थर्ड टाइप में हमें इनपुट दी जाएगी, आउटपुट दी जाएगी और हमारा क्लिपर का सर्किट डायग्राम क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो ये तीन प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली डिजाइन होते हैं क्लिपर में। और तो ये था कि किस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हम प्रत्येक का एक एक एग्जांपल लेके कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है। धन्यवाद।